हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं पहुंच गई हूँ शिमला। वैसे मैं परसों पहुंच गई थी शिमला। तो आज हम बना रहे हैं कुछ मूली का अचार, मिक्स अचार बना रहे हैं। तो उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको शिमला का व्यू दिखाया जाए। आज वैसे हल्की हल्की सी धूप है और आप देख सकते हैं शिमला को तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल है, आप देख ही सकते हैं। और आपको ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का छोटा सा पार्ट है, लाइक यहाँ पे लोक अदालत बैठती है और वो भी कुछ डेज फिक्स किए जाते हैं उस टाइम बैठती है, ऐसे परमानेंट। इसी के साथ पीछे की वो बिल्डिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। वैसे मैं कल भी गई थी पर मुझे माइंड में इतना आया नहीं कि मुझे शूट करना चाहिए। गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ मिक्स अचार। तो हमने कल, मैं आधा शूट करना भूल गई थी क्योंकि हमने शाम को ही गाजर, मूली और कुछ फूल गोभी काट ली थी। उसको धोने के बाद एंड जस्ट उसको अच्छे से काटने के बाद उसमें नमक हल्दी लगा के उसको किसी अच्छी जालीदार कोई भी बर्तन में रख के उसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ रख दो, जैसे आप सिलवट्टा रख सकते हो, कुछ भी हैवी चीज़ जिससे जो पानी होगा इसके अंदर वो निकल जाएगा। उसके बाद हमने इसको धूप में रख दिया है ताकि इसमें जो है थोड़ा थोड़ा ये जो है ड्राई हो जाए। तो क्योंकि अचार के लिए थोड़ा सा जो वेजिटेबल्स होती हैं ये आपकी थोड़ा ड्राई हो जानी चाहिए। और हमने कुछ करी पत्ता हमने यहाँ सुखाने डाला है। अभी मैंने इसको मैश किया है बट ये अच्छे से हो नहीं रहा है क्योंकि अभी इतना ड्राई नहीं हुआ है। तो अभी हमने धूप में रखा है। जब ये ड्राई हो जाएगा मैश करके इसका बिल्कुल बहुत अच्छा सा पाउडर बन जाता है। उसके बाद आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, किसी भी जैसे कड़ी में डाल सकते हो, किसी भी सब्जी में। ये काफी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। मसाले, तो हमने जो मसाले हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हो, आपको मैं पहले दिखा देती हूँ मेथी। मेथी दाना आप थोड़ा ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मेथी वैसे कड़वा नहीं होता है, बट आप लिमिटेड ही लेना। तो ये मैंने दो स्पून लिए हैं। सो इसे अच्छे से भून लें। आप राई ले सकते हैं, हल्दी, नमक, जीरा एंड धनिया, ये है अजवाइन, ये है सौंफ, मीठी सौंफ, और ये है मिर्च। मिर्च को अच्छे से, ये सभी मसालों को आप हल्का सा भून के साइड में रख ले, ठीक है। और हमने अदरक जो है वो हम अपने अचार में डालेंगे टेस्ट के लिए। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो। तो अब हमने इन सभी मसालों को, आप इकट्ठा भी दरदरा पीस ले, मिक्सी में पीसना है तो आप मिक्सी पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये डंडा गुंडी का यूज़। तो मैं सबसे पहले मसाले दरदरे पीस लिए थे उन सभी मसालों को इसमें डाल देना है। अब इसमें आपने डालना है नमक। नमक आप अपना टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, वैसे अचार में ज्यादा ही नमक डालेगा। तो आप हल्दी डाल दें, मैंने इसमें डाली है 4 टेबलस्पून हल्दी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑयल। ऑयल को आपने गरम कर लेना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से गरम होने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने देना है। उसके बाद इसको अचार में डालना है। अब इसे आप अच्छे से मिला लेना। अब इस
अचार को अच्छे से मिक्स करना ताकि जो भी मसाले हों वो आपके अचार में अच्छे से मिल जाएं। उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर मिलाने के बाद रखना है। खटास के लिए आप यूज कर सकते हो सिरका। मैंने गलगल का खटास के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं गलगल का रस। आप यूज कर सकते हैं सिरका जो आपको लगता है। गलगल का रस जो रहता है हमारे पास गांव में हमने स्टोर किया होता है, तो हम मैक्सिमम अचार में उसी का ही यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप खटास के लिए हमरी नहीं है कि आप इसमें खटास के लिए ये गलगल का ही रस डाले, आप इसमें सिरका भी डाल सकते हैं। तो गाइस हमने अब अचार पूरा कंप्लीट कर दिया है बनाकर, तो अब हम इसे जो है वो स्टोर कर लेंगे एक डब्बे में। तो और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो अचार है आप इसे 3 दिन धूप में जरूर रखें, 1-2 घंटे की धूप दें। और ये जो अचार है जो हमने बाद में तेल मिला के और सारा मसाला जो मिला के स्टोर रखा है, तो ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए स्टोर होता है। आप इसे काफी सालों के लिए रख सकते हो, 1-2 साल के लिए रख सकते हो। जो दूसरा तेल में गर्म करके रहता है वो आपका कुछ दिनों के लिए रहता है, आप उसको उसी टाइम से खा सकते हैं, पर ये अचार आप 3-4 दिन के बाद ही खा पाओगे। अब हमारा अचार बनके तैयार है और हमने इसको एक डब्बे में स्टोर करके रख लिया है। और आपने इसको 2-3 दिन के लिए धूप लगानी है, इसी तरह जब भी धूप आए तो इसको धूप में रख देना है। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। और आपको अगर अचार की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। और मैं अचार की रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को अभी इसी टाइम सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ इसी तरह का नया लेके आती रहती हूँ। और चलिए ठीक है, फिर बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।